दिस इज चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स. ओके, इन द प्रीवियस क्लास आई हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस एक्सरसाइज 3.1 एंड दिस इज 3.2. सो फर्स्टली वी नो अबाउट द फैक्टर. व्हाट इज द मीन्स ऑफ फैक्टर? सो अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इफ द नंबर डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, दैट इज लीविंग जीरो एज अ रिमाइंडर. मीन्स क्या है इसका? मीन्स है इसका कि अगर आप किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर का डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर अगर जीरो आया तो जो डिवाइजर है वो उस नंबर का क्या हो जाएगा? फैक्टर होगा. ओके, समझ में आ गया? या फिर सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो जैसे 16 है, ओके, 16 लिखा हुआ है, तो 16 का जो फैक्टर है वो ऑब्वियसली 1 एंड 16 तो होगा ही होगा, क्योंकि 16 जो है वो 1 के टेबल में आएगा ही आएगा और 16 के टेबल में 16 वन का 16 आता ही है. ओके, उसके अलावा जिस भी टेबल में 16 आता है वो नंबर 16 का फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल 2 की टेबल में 16 आता है तो 2 क्या है? 16 का फैक्टर है. ठीक है, क्या? अब यहां से आप स्टार्ट हो गए कहां तक? 16 तक. ओके, और 16 तक के टेबल में आप फाइंड आउट करोगे कि किस टेबल में 16 आता है और वो नंबर क्या होगा? 16 का फैक्टर होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की टेबल में 2 8 16. ओके, 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं. मीन्स 3 16 का फैक्टर नहीं है. ओके, 4 की टेबल में आता है क्या? यस, 2 4. 6 की टेबल में क्या आता है? 16. नहीं. 5 की टेबल में आता है? नहीं. 7 की टेबल में आता है? नहीं. 8 की टेबल में आता है क्या? यस. ओके, एंड देन 9 की टेबल में आता है? नहीं. 10 की टेबल में आता है? नहीं. 11 की टेबल में आता है? नहीं. 12 की टेबल में आता है? नहीं. 13 की टेबल में आता है? नहीं. 14 की टेबल में आता है? नहीं. 15 की टेबल में आता है? नहीं. और 16 की टेबल में क्या आता है? 16. यस, आता है. मींस ये क्या हो गए? ये फैक्टर्स हो गए. किसके? 16 के. 1 2 4 8 16. ओके, समझ में आ गया? एक और तरीका इसको फाइंड आउट करने का. कैसे? अब देखो आप, एक और तरीका क्या है, एक और मेथड क्या है. जैसे 16 है, 16 लिखा हुआ है. ओके, ये आप रफ में लिख सकते हो. आंसर इज 1 2 4 8 एंड 16. दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 16. ओके, एंड ऑल्सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2. लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. फैक्टर्स लिखना है किसके? जो भी नंबर्स आपको गिवन है. ओके, अब इसका एक और मेथड क्या है? जैसे कि मैंने लिखा, ये आप रफ में लिख लोगे. जैसे मैंने लिखा 2 into 8. 2 8 16. मीन्स 2 और 8 क्या है? इसके फैक्टर हैं. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, 1 and 16 तो आएगा ही आएगा. ओके, एंड देन 4 into 4. 4 4 16. ओके, एंड देन अब आपको नहीं मालूम तो 2 8 and 4 इज द फैक्टर ऑफ 16. और क्या आएगा? और 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ओके, कोई भी क्वेश्चन होगा, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग. अब क्या करना है आपको? कॉमन फैक्टर लिखना है. तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स लिखने होंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 and 12. ओके, द फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1 and 9 तो हो गई होगा, मैंने बताया 1 and the number itself होता ही है. ओके, एंड देन 9 किसके टेबल में आता है?
थ्री की टेबल में, और किसी में आता है? नाइन तक आप काउंट करोगे, ओके? नहीं आता, जैसे टू में नहीं आता, फोर में नहीं आता, फाइव में नहीं आता, सिक्स में नहीं आता, सेवन में नहीं आता, एट में भी नहीं आता, किस में आता है? केवल थ्री में. तो वन, थ्री एंड नाइन इज द फैक्टर ऑफ नाइन, ओके? सेम एज इट इज, द फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व आर क्या क्या होंगे? वन एंड ट्वेल्व तो आएगा ही आएगा, ओके? इसके अलावा और क्या आ सकता है? ट्वेल्व किसकी टेबल में आता है? टू में, थ्री में, फोर में, फाइव में आता है क्या? नहीं, सिक्स में, ओके? सो वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व इज द फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व, ओके? अब क्या लिखना है आपको? द कॉमन फैक्टर ऑफ नाइन एंड ट्वेल्व. क्या है कॉमन इसमें? मैंने बताया था कॉमन का मीनिंग क्या होता है? एक सा. अब यहां देखो आप, एक सा क्या है? वन है एंड थ्री है. दोनों में आपको देखना है, इसमें कॉमन फाइंड आउट करना है इन नंबर्स में, ओके? तो एक से नंबर कौन कौन से? वन है और थ्री है. तो क्या लिखोगे आप आंसर में? वन एंड थ्री, ओके? सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड फर्स्ट, ओके? एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क. और आप मुझे सेंड कर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर आपका बेसिक बिल्कुल भी जीरो होगा, और फिर अगर बेसिक जीरो है तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी, ओके? एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट ट्रू और फॉल्स. द फर्स्ट वन इज, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. यस. व्हाई? आप यहां पे देख रहे हो, मैं ऑलवेज बता रही हूं कि जो फैक्टर है उसमें वन एंड द नंबर इटसेल्फ होगा ही होगा, ओके? हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, यहां भी वन एंड द नंबर इटसेल्फ मींस फर्स्ट क्या है? ट्रू है. एंड देन वन इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर्स. यस ऑफ कोर्स, वन इज द कॉमन नंबर ऑफ, कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. यहां देखो आप, जब वन टू नंबर्स में गिवन है, अगर मैं आगे भी कोई सा भी लूंगी तो वन ऑब्वियसली आएगा, तो वो कॉमन फैक्टर होगा किन्हीं भी टू नंबर्स का, ओके? तो सेकेंड वन इज ऑल्सो ट्रू. एंड देन थर्ड वन इज, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट टू फैक्टर्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. वाई? जस्ट बिकॉज वन एंड नाइन यहां पे है. नाइन का फैक्टर मीन्स टू तो है ना, टू फैक्टर्स है ना नाइन के, तो ये क्या है? ट्रू है, ओके? एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका नाइन एंड ट्वेल्व, फोर्थ फर्स्ट आप देखोगे तो क्या है? नाइन एंड ट्वेल्व. तो आपको सेम प्रोसेस ये लिखना है, द फैक्टर ऑफ नाइन, द फैक्टर ऑफ ट्वेल्व, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ नाइन एंड ट्वेल्व, ओके? अब क्या इसमें फाइंड आउट करना है? द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, बताओ आप? कॉमन फैक्टर वन एंड थ्री है, और ग्रेटेस्ट कौन सा है? थ्री है. तो क्या लिखोगे? द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नाइन एंड ट्वेल्व इज थ्री, ओके? यहां पे इज इक्वल टू भी आप कर सकते हो, ठीक? दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फोर्थ फर्स्ट. बट आपको ये पूरी प्रोसेस में लिखनी पड़ेगी, ओके? क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट में. समझ में आ गया, ओके? एंड देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क, ओके? सो डू इट एंड देन सेंड मी पिक्चर्स ऑफ योर कॉपी. एंड देन क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सेम एज इट इज, सेम प्रोसेस, बट यहाँ कितने नंबर गिवन है आपको? थ्री नंबर्स, 12, 18 एंड 21. अब द फैक्टर ऑफ 12 आर 1 एंड 12 तो होगा ही, अब क्या होगा? 2, 3, 4, 6, ओके? दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ 12. द फैक्टर ऑफ 18 आर 1, 3, 2 भी आएगा, 2, 3 एंड देन 6, देन 7, 8, 9,
then 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and then 18. तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 1, 2, 3, 6, 9, 18 एंड देन द फैक्टर्स ऑफ 21 क्या होगा 1, 3, 7 और किसी टेबल में आता है 21 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 means the factors of 21 are 1, 3, 7, and 21 okay the common factors of 12, 18, and 21 क्या क्या है इसमें 1 है and 3 है okay और कोई भी common है नहीं है यहाँ देखो आप थ्री नंबर्स में कॉमन फाइंड आउट करना है यहाँ टू नंबर्स में नहीं करना थ्री नंबर्स में मीन्स 1, 1 and 1 3, 3 and 3 अब ऑब्वियस सी बात है जो अदर नंबर है वो 21 में है नहीं तो क्या आएगा 1 and 3 कॉमन आएगा तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए 1 and 3 अब द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका 3 है ओके सो दिस इज योर आंसर ऑफ फिफ्थ फर्स्ट ओके अब यहाँ पे आप देखो मैंने ये रफ में आप लिख सकते हो कहीं पे भी साइड में ग्रेटेस्ट को क्या लिख सकते हैं हाईएस्ट ओके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये क्या होता है अगर इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो ये क्या है ये एसटीएफ है मींस आप ये क्या फाइंड आउट कर रहे हो जैसे ये 3 हो गया यहाँ भी क्या आया आंसर 3 आया और जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी आएगा आपका आंसर वो क्या है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मींस अगर मैं एसटीएफ बोलूं तो इस प्रोसेस से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है यहाँ दिक्कत ये है कि ये जो मेथड मैं अप्लाई कर रही हूँ इन क्वेश्चंस में ये स्मॉल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है अगर मैं लार्ज नंबर ले लूं तो वहां पे आपको डिफरेंट मेथड्स लगानी होंगी ओके एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम्स इन कॉलम सेकंड अब देखो आप क्या लिखा हुआ है 45 45 क्या है एंड देन 15 देन 24 देन 20 देन 35 ये आप कर लोगे ओके मैच द कॉलम आप मल्टीपल क्या होता है मल्टीपल सिंपल आपको जैसे 15 का मल्टीपल आपको बोला तो क्या आ जाएगा 15 की पूरी टेबल मींस 15 वन जा 15 15 टू जा 30 15 थ्री जा 45 ओके 15 फोर जा 60 एंड सो ऑन दीज ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 15 और अगर मैं फैक्टर बोलूँ तो फैक्टर्स क्या होंगे उसके 15 के 1, 3, 5 एंड देन 15 दीज फोर आर द फैक्टर्स ऑफ 15 ओके 1, 3, 5 एंड 15 इटसेल्फ ओके समझ में आ गया आपको एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ऑड नंबर ओके इवन नंबर्स क्या होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन या फिर अगर मैं बोलूं जिसके वंस में ये नंबर्स होंगे 0, 2, 4, 6, 8 ओके जैसे यहाँ क्या है वंस में 0 है मीन्स 10 क्या है 10 इवन नंबर है यहाँ वंस में क्या है 2 तो वो नंबर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली इवन जैसे मैंने लिख दिया कोई भी लार्ज नंबर आप लिख लो 4, 6, 5, 2 अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इवन है कि ऑड है तो क्या देखोगे इसका वंस देखोगे वंस में क्या है 2 है मीन्स ये पूरा नंबर क्या है इवन है ओके एंड देन ऑड नंबर ये आप रफ में लिखना ओके एंड देन ऑड नंबर अब जो भी नंबर बचे वो क्या हो जाएंगे ऑड तो क्या आएगा 1, 3, 5, 7, 9 दीज ऑल आर द ऑड नंबर एंड देन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर रिमेंबर वन थिंग ये जो मैं करा रही हूँ इवन एंड ऑड एंड प्राइम एंड कंपोजिट ये डिफरेंट नंबर्स हैं ओके डिफरेंट टॉपिक्स हैं ऐसा नहीं है कि ये इसमें नहीं आ सकता और ये इसमें नहीं हो सकता ओके तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर द फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर्स नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स अब कैसे जैसे मैंने लिया 2 ओके
अब टू के फैक्टर्स क्या क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ टू इज वन, फैक्टर्स ऑफ टू आर वन एंड टू इटसेल्फ। ओके, फैक्टर्स क्या हैं टू के? वन एंड टू इटसेल्फ। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स वन हो या फिर नंबर इटसेल्फ हो वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ओके, ये आप अच्छे से लर्न कर लो, प्राइम एंड देन कंपोज इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एंड देन इवन एंड ऑड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड देन यहाँ क्या है? टू हो गया, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, इसके जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा? वन आएगा एंड देन द नंबर इटसेल्फ होगा। ओके, तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। एंड देन कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर विच इज नॉट प्राइम, दैट इज विच हैज फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। मीन्स अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। और इसके अलावा एक और है रूल कि जो उसके फैक्टर्स होंगे वो नंबर और वन के अलावा भी हो सकते हैं। जैसे कि सिक्स लिखा हुआ है, सिक्स के फैक्टर्स क्या हैं? अगर मैं सिक्स की बात करूं तो सिक्स के फैक्टर्स क्या हैं? वन है, टू है, थ्री है एंड देन सिक्स है। मीन्स वन एंड सिक्स के अलावा भी कुछ आ रहा है ना फैक्टर्स में, तो ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। आप एक बात और याद रखना, आप ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि टू को छोड़ के सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं। इस लाइन को आप याद कर लो, कहीं पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। टू को छोड़ के, टू जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन अगर टू को मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर है। जैसे फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन, लेस बहुत कम भी है इसमें, ठीक है? तो वो सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। टू लेकिन क्या है? प्राइम नंबर है। ओके, एंड देन ट्विन प्राइम्स। आप एक वर्ड यूज करते हो, एक वर्ड यूज करते हो, वो वर्ड क्या है? ट्विन्स। ओके, ट्विन्स मीन्स क्या होता है? जुड़वा बोलते हैं ऐसे ही, ट्विन प्राइम्स। अब प्राइम लगा हुआ है यानी कि इसमें ट्विन्स होंगे, मीन्स टू नंबर्स होंगे, एंड देन कौन से नंबर्स होंगे? प्राइम नंबर होंगे। ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम विच फॉलो ईच अदर एंड डिफर बाय टू। मीन्स क्या होगा कि ये प्राइम नंबर्स होंगे, टू नंबर्स होंगे इसमें, और इसमें डिफरेंस जो टू नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो कितना होगा? टू होगा। जैसे कि थ्री एंड फाइव, इसमें टू नंबर्स का डिफरेंस है कैसे? फोर फाइव। ओके, यहाँ क्या है? फाइव सिक्स सेवन, टू नंबर्स का डिफरेंस है। इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, टू नंबर्स का डिफरेंस। जो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जिनमें टू नंबर्स का डिफरेंस है वो क्या होंगे? ट्विन प्राइम। एंड देन प्राइम ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीनिंग क्या होता है इसका? ट्रिपलेट में थ्री नंबर्स आते हैं ऑलवेज। ओके, अ सेट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय टू इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। अब यहाँ देखो आपने क्या है, ये ट्विन प्राइम प्राइम्स हैं। ओके, मींस यहाँ टू नंबर्स के बीच में टू का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे थ्री नंबर्स होंगे जिसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? टू। अब यहाँ पे केवल ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट है, वो क्या है? थ्री, फाइव एंड सेवन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये केवल एक ही ऐसा ट्रिपलेट है। ओके, एंड देन अब होमवर्क में क्या है आपका कि आप जो ये प्राइम नंबर्स हैं, वन टू हंड्रेड प्राइम नंबर्स की लिस्ट आप मुझे भेजोगे। ओके, प्राइम नंबर्स में आप ध्यान से सुन लो क्या करना है आपको। ये तो लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स। ओके, तो आप क्या करोगे? इसकी पूरी लिस्ट भेजोगे। ओके, प्राइम नंबर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन टू हंड्रेड के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको आप मुझे लिख के भेजोगे। ठीक, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।